please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गुस्साई भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी। वहां नक्सलियों के हमले में टीडीपी के विधायक और एक पूर्व विधायक की हत्या के बाद इन लोगों का गुस्सा भड़क गया और बड़ी संख्या में थाने का घेराव करने पहुंचे टीडीपी विधायक केएस राव के समर्थकों ने पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, गुस्साई भीड़ ने थाने के बाहर मौजूद एक पुलिस वाले को भी घेर लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। हालांकि भीड़ में शामिल कुछ लोग पुलिस वाले को बचाने की कोशिश भी करते दिखे। आंध्र प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि टीडीपी विधायक केएस राव पूर्व विधायक एस सोमा के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र अरकू के लिए निकले थे। इसी दौरान गांव वालों के साथ आए नक्सलियों के एक ग्रुप ने उनकी कार को रोक दिया। आरोप है कि नक्सलियों ने विधायक के सुरक्षा कर्मियों के हथियार छीनकर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। नक्सलियों के हमले में विधायक केएस राव और पूर्व विधायक एस सोमा की मौके पर ही मौत हो गई। लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से अक्टूबर में सुनवाई करने की अपील की। लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने चुनाव आयोग से आज होने वाली सुनवाई की बजाय अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करने की अपील की। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आज बैंकों के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने 5 अक्टूबर को संतों की बैठक बुलाई है जिसमें मंदिर आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। एशिया कप में भारत और अफगानिस्तान के बीच आज दुबई में भिड़ंत होगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज मेजबान श्रीलंका से 5वें T20 मैच में भिड़ेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने पुणे में अपनी किताब अ सेंचुरी इज नॉट इनफ लॉन्च की। यूपी के हमीरपुर में कोर्ट में पेशी के लिए आए कैदी के फरार होने के बाद एसपी ने लापरवाह सिपाहियों पर कार्रवाई के आदेश दिए। तेलंगाना के साइबराबाद में एक मेडिकल कंपनी में आग लग गई जिसमें एक आदमी घायल हो गया। बिहार के औरंगाबाद में अपने जेवर और बकरियां बेचकर शौचालय बनवाने वाली महिला को जिला प्रशासन ने सम्मानित करने का फैसला किया। इलाहाबाद के बेली अस्पताल में एनसीसी के 30 कैडेट को बीमार पड़ने के बाद भर्ती करवाया गया। आरोप है कि शहर की केपी इंटर कॉलेज में लगे एनसीसी कैंप में खाना खाने के बाद कई छात्रों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बीमार छात्रों की वजह से अस्पताल में भी अफरा तफरी मच गई, जिस पर उनकी हालत जानने पहुंचे जिलाधिकारी सुहास एलवाई खुद इमरजेंसी वार्ड को खाली करवाने में जुट गए। डीएम का रुख देखने के बाद उनके साथ मौजूद पुलिस वालों ने भी बीमारदारों से वार्ड से बाहर जाने की अपील की। इस बीच एनसीसी के शिविर में शामिल होने आए दूसरे छात्रों ने कैंप में खराब खाना मिलने का आरोप लगा दिया। खाने की क्वालिटी ये थी कि सुबह का खाना शाम को दिया जाता था, खाने में मेनू कभी चेंज नहीं होता था, चावल दाल रोटी सब्जी बस यही खिलाया जाता था। जबकि छात्रों का हाल जानने पहुंचे डीएम ने उनकी हालत को खतरे से बाहर बताया। यहाँ सूचना मिली कि फूड पॉइजनिंग से बच्चों को डायरिया और डिहाइड्रेशन हुआ। जिला प्रशासन ने एनसीसी की 15वीं बटालियन के कैंप में खराब खाने के आरोपों की जांच का भी भरोसा दिया। मुंबई में रंग गुलाल और ढोल नगाड़ों के बीच लालबाग के राजा का विसर्जन गिरगांव चौपाटी पर किया गया। गणपति महोत्सव के आखिरी दिन लालबाग के राजा के विसर्जन में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी, जो एक दूसरे को गुलाल लगाते और नाचते गाते लालबाग के राजा के साथ चलती दिखी। विसर्जन के लिए जा रहे रास्ते पर हर जगह लालबाग के राजा का दर्शन करने और उनके साथ चलने की ललक गणेश भक्तों में लगी रही, जिसकी वजह से लालबाग से गिरगांव चौपाटी तक जाने में घंटों लग गए। लालबाग के राजा के विसर्जन में मौजूद हजारों लोगों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। कई घंटों तक सड़क पर चलने के बाद लालबाग के राजा को गिरगांव चौपाटी लाया गया, जहां लिफ्ट के सहारे उन्हें समुद्र में विसर्जित किया गया। यूपी के हरदोई में एक बुजुर्ग अपनी घायल पत्नी को गोद में उठाकर पुलिस अधीक्षक के दफ्तर पहुंचा। आरोप है कि इनके बेटे ने अपने पड़ोस में कच्ची शराब बनाने का विरोध किया था, जिससे नाराज होकर उस कारोबार से जुड़े कुछ लोगों ने उस पर और उसकी मां पर हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग महिला का दायां पैर टूट गया। लेकिन पैर पर प्लास्टर चढ़ा होने के बावजूद महिला पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने को मजबूर हो गई, क्योंकि आरोप है कि पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मारपीट के आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया। थाने पर गए थे आप? हाँ, सुनवाई हुई आपकी? नहीं, सुनवाई हुई। इस मामले में पुलिस की तरफ से लापरवाही के आरोपों के बीच जिले के एसपी ने कार्रवाई का आदेश दे दिया। मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी लेकर के संबंधित थाने को भेज दी गई है और निरीक्षक को निर्देशित कर दिया गया है कि वो उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी धाराएं सूटेबल है उनको तामील करके उस पर। पुलिस के आला अधिकारियों ने कच्ची शराब के कारोबार पर भी लगाम लगाने का भरोसा दिया। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उसके पास दो जरूरी बांध बनाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, इसलिए अब पाकिस्तान ने दो बांध बनाने के लिए चंदा जुटाने का फैसला किया है। ये चंदा डयामेर बाशा और मेहमंद बांध के लिए जुटाया जा रहा है। दोनों बांध पर करीब 12.5 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 9,042 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसे जुटाने के लिए जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने चंदा जुटाने की पहल की, जिससे बाद में सेना भी जुड़ गई। चंदे के लिए एक ऑनलाइन भी
पेज भी बनाया गया है जिस पर एक अकाउंट नंबर दिया गया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने 100 करोड़ रुपए चंदा दिया, यानी भारतीय रुपयों में करीब 59 करोड़ रुपए। लेकिन पाकिस्तान अब तक करीब 300 करोड़ रुपए यानी भारतीय रुपयों में करीब 175 करोड़ रुपए ही जुटा पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में राज्य के पहले और देश के 100वें पाक्योंग एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। पीएम ने दावा किया कि सिक्किम में एयरपोर्ट के बन जाने से वहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही नौजवानों को रोजगार भी मिलेंगे। राजधानी गैंगटॉक से करीब 33 किलोमीटर दूर पाक्योंग एयरपोर्ट के उद्घाटन के वक्त पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री पवन चामलिंग और केंद्रीय उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु भी मौजूद रहे। पाक्योंग एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही भारत में एयरपोर्ट की संख्या 100 हो गई। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री ने दावा किया कि बीजेपी सरकार के दौरान देश के कई इलाकों में हवाई जहाज और रेल कनेक्टिविटी पहली बार पहुंची। इसके साथ ही पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया के विस्तार का दावा किया। इस एयरपोर्ट को उड़ान योजना से जोड़ा गया है। इस योजना के तहत एक घंटे तक के सफर के लिए 2500-2600 रुपए तक ही देने होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरे भरे पहाड़ों और खूबसूरत वादियों से घिरे पाक्योंग एयरपोर्ट को बनाने वाले इंजीनियरों की तारीफ की और उनके कौशल को सराहा। जिनकी वजह से पहाड़ों के बीच एयरपोर्ट बना और सिक्किम को पहला एयरपोर्ट मिला, वहां रहने वाले लोग कम वक्त में लंबी दूरी तय कर सकेंगे। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से करीब 33 किलोमीटर दूर पाक्योंग हवाई अड्डा 4,500 फीट की ऊंचाई पर बना है। इस हवाई अड्डे को बनाने में 350 करोड़ रुपए की लागत आई और ये भारत चीन सीमा से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। पाक्योंग एयरपोर्ट बनने से पहले सिक्किम जाने के लिए पश्चिम बंगाल के बागडोगरा तक ही फ्लाइट मिलती थी और वहां से सड़क के रास्ते सिक्किम तक का सफर तय किया जाता था। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को घेर लिया है। देर रात को वहां पर सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच जंग कर फायरिंग हुई, जो सुबह दोबारा शुरू हो गई। ये गोलीबारी तब शुरू हुई थी जब सुरक्षा बल ने सोपोर के तुजर इलाके की घेरेबंदी की और तलाशी अभियान चलाया। इसी बीच कुछ आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिस पर सुरक्षा बल ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में रात के अंधेरे में भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने एक शख्स के दोनों हाथ रस्सी से बांध दिए। बाद में उसके साथ जमकर मारपीट की। जिस व्यक्ति को पीटा गया, उस पर भीड़ ने इलाके से 10 मवेशियों की चोरी का आरोप लगाया, जिसके बाद मवेशियों की चोरी के आरोप में भीड़ ने अमर खान नाम के एक शख्स को दबोच लिया और बाद में उसे जमकर पीटा। सबसे पहले भीड़ ने आरोपी को सड़क किनारे झाड़ियों के पास लाकर बैठा दिया और बाद में उसके दोनों हाथ एक रस्सी से बांध दिए। ये रस्सी वहां मौजूद एक शख्स ने पकड़ ली। इसके बाद एक एक कर सभी लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा। इतने से भी जब इन लोगों का मन नहीं भरा तो एक आदमी ने आरोपी के बाल पकड़ लिए और उस पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। मारपीट के बीच वहां मौजूद एक शख्स आरोपी को जान से मारने की बात कहते हुए भी सुना गया। इसके बाद भीड़ में जो आदमी आरोपी के साथ मारपीट का वीडियो बना रहा था, वो वहां खड़े एक टेम्पो को दिखाने लगा, जिसका एक दरवाजा टूटा हुआ था, जबकि उसके अंदर रखा सामान भी काफी बिखरा हुआ था। दावा किया गया कि ये टेम्पो उसी शख्स का था जिसके साथ मारपीट हुई, क्योंकि भीड़ में शामिल लोग बार बार टेम्पो पर लात मार रहे थे। ये सिलसिला काफी देर तक चला। आरोपी जमीन पर बैठा रहा जबकि भीड़ उसे चारों तरफ से घेर कर खड़ी हो गई। गाड़ी नंबर देखो, भैंसन को चूर। हद तो तब हो गई जब मारपीट के बीच भीड़ में शामिल कुछ लोग आरोपी के बताए जा रहे टेम्पो में रखे सामान को चुराने लगे। पहले उन्होंने ड्राइवर वाली सीट पर रखे स्पीकर को उठाया और बाद में सीट के नीचे रखा सामान भी चुरा लिया। निकाल लो। भीड़ यही नहीं रुकी, एक आदमी ने तो आरोपी को थप्पड़ जड़ते हुए उसे नीचे गिरा दिया और उसके साथ गाली गलौज करने लगा। इस बीच आरोपी के दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए नजर आए। आरोपी के पैर से खून निकलने लगा, जबकि मारपीट में उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। हालांकि घटना के समय आरोपी को कुछ भी कहते हुए नहीं सुना गया, वो बस चुपचाप भीड़ की मार सहता रहा। भीड़ में शामिल लोग भी उसे पीटते रहे, जिससे वो अधमरा हो गया। इसके बाद भीड़ से एक और शख्स निकल कर बाहर आया। उसने कीचड़ से सनी अपनी एक चप्पल को अमर खान नाम के आरोपी के चेहरे पर मल दिया। इस बीच घटना का वीडियो बना रहे शख्स ने एक बार फिर अपने मोबाइल के कैमरे को वहां खड़े टेम्पो की तरफ घुमा दिया और उसमें मौजूद 3 मवेशियों को दिखाने लगा। भीड़ में शामिल लोगों ने पीट रहे शख्स पर मवेशियों की चोरी का आरोप लगाया और उसके बाल पकड़ लिए। घटना की जानकारी पर पुलिस ने आरोपी अमर खान को गिरफ्तार कर लिया
और उसके खिलाफ मवेशियों की चोरी का मामला दर्ज कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी से हुई मारपीट के मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का दावा किया। इस मामले की जांच की जा रही है कि कौन सी परिस्थिति थी और कौन लोग थे वो। पुलिस ने दावा किया कि जब भीड़ ने मवेशियों के साथ अमर खान नाम के शख्स को दबोचा, तब उसके साथ 5 और लोग मौजूद थे जो भीड़ के डर से भागने में कामयाब रहे।